के सेशन में हमने वर्ड एमएस वर्ड में कुछ और पिक्चर को एडिट करना और पिक्चर को इंसर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि कल के सेशन में हमने टेबल को इंसर्ट करना सीखा था। टेबल किस तरह बनती है एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। टेबल आपने जाना है इंसर्ट के टैब में जाएंगे और टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाकर नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे जितने आपको चाहिए, तो वो उससे वो उतनी टेबल बन जाएगी। अच्छा, ये हमने कल एक्टिविटी की थी। आज के सेक्शन में ये है कि हम पिक्चर्स वगैरह कैसे लगाएंगे। तो हमने पिक्चर पे जाके क्लिक करने और यहाँ से अपने पास पिक्चर वगैरह अगर कोई है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये पिक्चर आ जाएगी हमारे पास, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पिक्चर आएगी तो ये फॉर्मेट वाला टैब आ जाएगा। आप अगर गौर करें तो मैं दोबारा इसे पिक्चर हटाए देता हूँ, ये आपको फॉर्मेट वाला टैब यहाँ से हट जाएगा। यहाँ कोई फॉर्मेट वाला टैब नहीं है, लेकिन इंसर्ट में जाकर आप जैसे ही पिक्चर कोई भी अपने पास अटैच करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, तो ये फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट का टैब तब आएगा जब आप पिक्चर में, अब देखिए मैं इसकी सिलेक्शन भी अगर हटा देता हूँ, मैं तो किसी और जगह क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्शन हट गई है, तो इसके साथ ही ये फॉर्मेट का टैब भी हट गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन भी आ गई है और साथ में फॉर्मेट का टैब भी आ गया। अब ये पिक्चर हमारे पास आ गई है, इधर हम बहुत सारे फ्रेम हैं दिए हुए, इन फ्रेम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत सारे खूबसूरत से फ्रेम दिए हुए हैं, आप इन फ्रेम्स को अटैच कर सकते हैं इस अपने पिक्चर के साथ। इसकी सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन अप कर सकते हैं इस अंदाज से। अच्छा, फिर इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉर्डर पिक्चर का देना है, बॉर्डर में चेंजेस करनी है, कोई कलरिंग वगैरह चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसी से रिलेटेड ये सारी पिक्चर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। इसकी पोजीशनिंग है, पेज के ऊपर फ्रंट पे आए, बैक पे आए, लेफ्ट पे आए, राइट पे आए, तो ये सारी इसकी पोजीशनिंग वगैरह है, वो सेट की जा सकती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो इसमें और चीज़ है वो है क्रॉपिंग करना। ठीक है, एक फैक्टर है क्रॉपिंग का, कि आप इस पर क्लिक करें, सॉरी क्रॉपिंग का टैब बांध दिया हुआ जी हमारे पास, ये क्रॉप का टैब यहाँ लिखा हुआ है क्रॉप। ठीक है, अब आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर पिक्चर का कुछ हिस्सा आपको इररेलेवेंट लग रहा है कि आपको नहीं चाहिए था ये वाला, तो आप वो यूज़ करेंगे क्रॉप के ज़रिए से। लेकिन मैं ये क्रॉप के ज़रिए से ये इररेलेवेंट जो पोर्शन है वो हटा रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ डिज़ाइनिंग एडिटिंग जो पिक्चर से रिलेटेड है वो हम यहाँ कर सकते हैं, कि हम फ़कत पिक्चर का वो वाला हिस्सा चाह रहे हैं जो हमें पिक्चर का चाहिए, हमें एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो हमने यहाँ प्लेस किए। अच्छा, इसके साथ ये अगर हमने क्रॉपिंग की है तो पिक्चर हमारी छोटी हो गई है। अब आप इसको पिक्चर को बढ़ा सकते हैं, इसके जूमिंग कर सकते हैं, जूम अप जूम इसको कम ज़्यादा जैसे आप स्क्रॉल से कर सकते हैं। अच्छा, इसके इसको आप इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, और जहाँ भी आप प्लेस करना चाहें उसको प्लेस भी कर सकते हैं। ये फुल फ्लैज एक डिज़ाइनिंग टूल जो है हमारे एमएस वर्ड में अटैच हो जाता है, और हम इधर आ करके आप पिक्चर को सही से एडिट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज करनी होगी तो आपको फॉर्मेट में जाना है, और इसमें यहाँ ब्राइटनेस का कंट्रास्ट का भी दिया होगा, वो भी आपको यहाँ से सेट करना है। अलाइनमेंट भी है हमारे पास इसकी, ये रोटेटेशन का जैसे मैंने बताया कि इस वजह है हमारे पास, पोजिशनिंग का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये बाज़ औक़ात ये है कि हमें टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लाना होता है। ठीक है, तो वो उसके उसको प्लेस करने के लिए बिहाइंड द टेक्स्ट, फ्रंट द टेक्स्ट, ये दी हुई ये फीचर ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास तस्वीर पे यहाँ दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, ये लेयर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, शेड्स हैं, ये आप शेड्स कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स हैं जो आप चाहते हैं। ये कब ज़रूरत पड़ते हैं, जब आप प्रिंटिंग कर रहे होते हैं पिक्चर की, तो आप देखते हैं कि जो एक्चुअल पिक्चर है वो प्रिंट में सही नहीं आ रही होती, उसका इमेज सही क्लियर नहीं आ रहा होता, तो आप क्या करते हैं यहाँ आकर के मल्टी शेडेड या लाइट या डार्क शेडेड का इस्तेमाल करते हुए पिक्चर को इस अंदाज से एडिट कर सकते हैं। तो ये आपको डिपेंड्स करता है कि किस अंदाज से। अब कलर स्कीम भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें इन्होंने यहाँ कलर स्कीम भी चेंज करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, कि किस तरह से हम एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनाएं, कलर्ड पिक्चर बनाएं, और किस तरह से ये शेडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत हद तक जो डिज़ाइनिंग का टूल है जो फोटोशॉप से रिलेटेड या कोरल ड्रा से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी हमारे पास एमएस वर्ड में इंटीग्रेट कर दी जाती हैं। अच्छा,
बैकग्राउंड में अगर आपने उसमें पिक्चर के बैकग्राउंड में अगर कुछ देना है आपने, जैसे ये पर्पल कलर दे दिया हुआ है तो बैकग्राउंड का हिस्सा भी आप अटैच कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, ये आप ये देखें, इस ब्लर करने हैं पिक्चर को, इसे इम्पेक्ट शो करने हैं, अपनी वाटर मार्क देने हैं, तो ये इस अंदाज से इसको डिज़ाइन में लाया जा सकता है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल पिक्चर का एक व्यू आ गया और इसके सारे फीचर्स हमने सीखे। तो आज के लेक्चर में फ़कत हम ये सीखा है हमने कि हम पिक्चर्स कैसे अटैच कर सकते हैं और पिक्चर को कैसे उनके ऊपर डिज़ाइनिंग यानी फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग उनके ऊपर फ्रेम कैसे लगा सकते हैं, कलर्स, पोजिशनिंग, क्रॉपिंग और ये सारे फीचर पिक्चर्स से रिलेटेड जो MS वर्ड में दिए हुए हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक खूबसूरत पिक्चर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में अटैच भी कर लें और रिक्वायरमेंट के तहत उस पिक्चर को एडिट भी कर सकें, थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज कर सकें। तो इसके साथ ही ये सेशन ऑफ करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।